दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। देखिए कितनी मुश्किल होती है अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा। सुनीता विलियम्स आसमान में कैसे रह रही है, कैसे खाना खा रही है, कैसे पानी पी रही है। आसमान में जिंदगी जीना बहुत खतरनाक होता है। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं आखिर लोग आसमान में कैसे रहते हैं, आखिर क्यों सुनीता विलियम्स को नासा धरती पर नहीं लाना चाहता, क्या वाकई में अंतरिक्ष में सुनीता विलियम फंस गई है और उन्हें 2025 से पहले वापस नहीं लाया जाएगा। दोस्तों ये खबर जोरों शोरों से आप सुन रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स अब धरती पर वापस नहीं आएंगी, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और खास तौर पर भारत में तो इस खबर को लेकर काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से ऐसी ऐसी चीजें इंसानी शरीर में होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या सुनीता विलियम्स के साथ भी ये सब कुछ होगा, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 5 जून को एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को नासा ने 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से उनका अंतरिक्ष में रहने का समय धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में करीब 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन सुनीता विलियम्स की धरती पर कब वापसी होगी, इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। कहा जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथियों की वापसी फरवरी 2025 तक हो सकती है। हालांकि यह समय और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ऐसे में यह जानना तो बनता है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं और उनकी जिंदगी वहां किस तरह से चलती है, क्योंकि स्पेस में जाना धरती के किसी दूसरे कोने पर जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष में ना तो हवा है और ना ही कोई वातावरण। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, ग्रेविटी ना होने की वजह से हर एक चीज तैरने लगती है, ऐसे में एस्ट्रोनॉट टॉयलेट वगैरह कहां करते होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों सबसे पहले तो स्पेस में भेजने से पहले ही अंतरिक्ष यात्रियों की कई महीनों और कई बार तो सालों तक ट्रेनिंग चलती है, ताकि वो अंतरिक्ष के माहौल में पूरी तरह से फिट बैठ जाएं। ट्रेनिंग में पास होने वाले एस्ट्रोनॉट्स को ही स्पेस में भेजा जाता है। इस दौरान उनके शरीर में कई तरह के मेंटल और फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में रहकर जब कोई एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आता है तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो चलना तक भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो उन्हें पैरों को जमीन पर रखकर चलना नहीं पड़ता, वहां तो हर चीज फ्लो करती है। इसलिए स्पेस से आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस होने लगता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को लंबे समय तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्रियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आधुनिकता से भरपूर एक खास लेबोरेटरी है, जिसे अमेरिका और रूस समेत 16 ताकतवर देशों ने मिलकर $120 बिलियन की लागत से तैयार किया है। वही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है जहां पर रहकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस में हो रही गतिविधियों पर अपने रिसर्च करते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स की 5 खास ड्यूटी होती है जो उन्हें रोजाना करनी ही होती है, जहां सबसे पहला काम तो ये होता है स्पेस पर रिसर्च करना और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना। दूसरा काम होता है स्पेस सेंटर का रख रखाव यानी कि उसकी मेंटेनेंस, और जो तीसरा अहम काम होता है वो है कसरत और एक्सरसाइज। चौथा काम होता है स्टेशन के बाहर जाकर स्पेस वॉक करना, और जो पांचवा काम होता है वो है आराम करने का काम। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा भी खाना, पढ़ना, टॉयलेट जाना जैसे रोजमर्रा के काम भी एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, जो हमारे लिए तो बहुत छोटी बात है। ऐसे में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं, जिसके बाद वो हमारी और आपकी तरह इंसान नहीं रह पाते। दोस्तों स्पेस में सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रेविटी, जो हमारी पृथ्वी पर तो मौजूद है लेकिन स्पेस में नहीं है,
और इसी ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर जमीन पर रहते हैं और हम अपना बैलेंस आसानी से बना पाते हैं। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होती, इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स जब अपना स्पेस सूट पहन लेते हैं तो वो कभी भी चलते हुए नहीं दिखते, बल्कि हमेशा हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि अगर एस्ट्रोनॉट्स मुंह से थूक की एक बूंद भी निकाल दें तो वो भी तैरती रहेगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरह के सिचुएशन में भी एस्ट्रोनॉट्स रोजमर्रा के जरूरी काम कैसे करते होंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब स्पेस ट्रैवल करके कोई एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आता है तो उसे हड्डियां और मसल से जुड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इसलिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रोजाना एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। स्पेस सेंटर में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स सबसे ज्यादा ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दौड़ने से उनके पैरों की हड्डियां और मांसपेशियां ठीक तरह से काम करती रहती है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक्सरसाइज करने के लिए अपने शरीर को एक बेल्ट से बांध लेते हैं ताकि उनके पैर ट्रेडमिल पर आसानी से टिके रहें। दोस्तों, धरती पर एक दिन 24 घंटे का माना जाता है और एस्ट्रोनॉट्स भी इसी टाइम को फॉलो करते हैं। उनके हाथ में एक स्पेशल घड़ी होती है जो उन्हें धरती के टाइम से जोड़कर रखती है। लेकिन धरती के चक्कर लगा रहे स्पेस सेंटर के तेजी से घूमने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को दिन भर में 16 बार सूर्य के दर्शन मिलते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट्स के दिन की शुरुआत भी हमारी और आपकी तरह ही होती है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। क्योंकि इन एस्ट्रोनॉट्स के पास एक ग्रूमिंग किट होती है जिसमें उनके टूथपेस्ट, ब्रश और फेस वॉश जैसी जरूरी चीजें मौजूद होती है। ब्रश करने के लिए उन्हें अपने मुंह को ज्यादा से ज्यादा बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मुंह खोलेंगे तो टूथपेस्ट भी दूसरी चीजों की तरह अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एस्ट्रोनॉट्स जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल दांत साफ करने के लिए करते हैं उसे थूका नहीं बल्कि निगल लिया जाता है। इसके बाद वो पानी के छोटे पाउच के जरिए अपना मुंह साफ करते हैं। हालांकि उस पानी को भी एस्ट्रोनॉट्स थूकते नहीं बल्कि निगल लेते हैं। अब सबसे जरूरी चीज यानी कि खाने पीने की बात करें तो स्पेस में भी खाने की सारी जरूरी चीजें मौजूद होती है। जहां एस्ट्रोनॉट्स अपने खाने में एग, ब्रेड, मीट और सब्जियों का सेवन करते हैं, और ये खाना खास तौर पर अमेरिका, रूस और जापान की स्पेस फूड कंपनियां बनाती है। यहां तक कि खाना बनाने के लिए जो छुरी कांटा इस्तेमाल होता है उसको भी ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि वो किसी की आंख कान में ना घुस जाए। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हीं वेस्ट चीजों को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हर चीज की तरह एस्ट्रोनॉट्स नहाने का भी एक अलग एक्सपीरियंस लेते हैं। जहां ये लोग शावर के नीचे बड़े से बाग के अंदर खड़े होकर नहाते हैं। बालों को साफ कर रखने के लिए एस्ट्रोनॉट सबसे पहले अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं और फिर उसे किसी गीले कपड़े से साफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं टॉयलेट के इस्तेमाल की, क्योंकि ग्रेविटी ना होने के कारण स्पेस में टॉयलेट का इस्तेमाल बहुत अलग तरीके से किया जाता है। स्पेस में यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट में एक पाइप लगी होती है जिसके जरिए वो यूरिन को पास करते हैं। वहीं पॉटी के लिए बहुत छोटी सी टॉयलेट सीट होती है जिसमें उन्हें खुद को सही ढंग से फिट करना होता है ताकि कोई गंदगी ना फैले, और सफाई के लिए गीले टॉवल का इस्तेमाल करते हैं। और इस सेट को हर इस्तेमाल के बाद बदल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या अंतरिक्ष यात्रियों की पॉटी अंतरिक्ष में उड़ती रहती है, क्या उसे अंतरिक्ष में ऐसे ही फेंक देते हैं? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसे तो दूसरे यात्रियों की मदद से धरती पर वापस भेजा जाता है और फिर उस वेस्ट को सुरक्षित जगह पर जला दिया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और अब 8 महीनों के लिए सुनीता विलियम्स भी कुछ ऐसा ही करेगी। जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।